गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप, है ना। तो फ्रेंड्स, और आज ना बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। अभी मैं छत में आई हूँ, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सभी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको मैं मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत साफ़ है और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। और पहाड़ों में जो है बादल से पूरा पहाड़ जो है बादल से पूरा ढका हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी बनाने लगी हूँ मैं लंच, और लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। चावल को मैं थोड़ा थोड़े पानी में भिगा कर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा लंच हो गया तैयार। तो फ्रेंड्स, मेरा लंच हो गया तैयार, दाल और गोभी की सब्जी और टमाटर की चटनी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लंच करके छत पर आ गई हूँ। यहाँ पर छत में बैठी हूँ धूप में, बस जब तक धूप रहेगा तब तक थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद फिर यहाँ से जो धूप है जल्दी चली जाती है। मुझे थोड़ा ये सिलाई का काम था ना, ये काम कर लेती हूँ। ये बच गई है 5, और अभी मैं अब चाय बनाने के लिए तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे शाम हो रही है ना, बहुत अब ठंड बढ़ने लगी है। आज दोपहर को धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ थी धूप, और अभी ठंड बढ़ने लगी है। सब मैं चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। अब इसमें आज और मैं आज बना रही हूँ न्यूट्री। तो मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज और 2 आलू। इसको मैं ज़्यादा बारीक नहीं काटूँगी। आलू को मैं थोड़े छोटे छोटे काटूँगी, क्योंकि मैंने इसको कढ़ाई पर ही बनाना है, मैं कुकर में नहीं बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अब सुबह शाम यही होता है कि सुबह क्या बनाए शाम को क्या बनाए, तो मैंने सोचा चलो मैं आज बना देती हूँ न्यूट्री। तो फ्रेंड्स, पहले मैं न्यूट्री को फ्राई कर लेती हूँ। न्यूट्री को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। इसको मैं फ्राई करने के बाद फिर इसको मैं डाल दूंगी पानी में, गर्म पानी में। गरम पानी में डालूंगी तो फिर थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल जाएंगे।
क्योंकि मैं इसको कुकर में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको बना रही हूँ कढ़ाई में। अब इसमें मैं इसको मैं दूंगी मेथी का तड़का। फिर इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज और आलू को मैं साथ में ही फ्राई कर दूंगी ताकि ये आलू भी पकता रहे। इसमें अब मैं डाल दूंगी लाल मिर्च, धनिया और हल्दी। इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। अब इसको मैं थोड़ी देर ढककर रख दूंगी ताकि टमाटर भी थोड़ा गल जाए और आलू भी, क्योंकि न्यूट्री तो जो है वो बिल्कुल फूल कर नरम हो गया है। बस इसको न्यूट्री को मैं बाद में डालूंगी, पहले ये मसाला वगैरह सब ग्रेवी में अच्छे से तैयार कर दूंगी। तो फ्रेंड्स जब तक सब्जियां मेरी भून रही है, आलू पक जाती है, तब तक मेरे ये चाय के बर्तन ये साफ कर लेती हूँ। पानी मैंने गर्म किया हुआ है क्योंकि पानी जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो फ्रेंड्स ये ग्रेवी भी तैयार हो गई है और आलू भी जो है वो पक गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी न्यूट्री। बस अब इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं ताकि मसाला भी इसमें लग जाए अच्छे से न्यूट्री में। बस फिर ये हमारा सब्जी हो गया है तैयार। इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ये सब्जी हो गई है तैयार। अब देखिए मसालों ने भी साइड साइड में जो है तेल छोड़ दिया हुआ है। तो अब ये सब्जी बनकर है तैयार। तो फ्रेंड्स अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स फिर आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? तो फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, है ना? अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।